किशन गंगा डैम की सूरत में भारत ने पाकिस्तान के साथ आबी जंग का बाजाबता नकारा बजा दिया है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान की तमाम शिकायत और शवाहिद को मुस्तरद कर दिया। नीलम जेहलम पावर प्रोजेक्ट और इससे जुड़े दीगर मंसूबे खतरे में पड़ चुके हैं। पानी की किल्लत से आम की 40% और कपास की पैदावार भी कम होगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी परेशान है। कुछ रोज पहले आपको याद होगा कि किशन गंगा डैम जो भारत का चिनाब के ऊपर बना हुआ डैम है उसका इफ्तिताह हुआ। नरेंद्र मोदी ने उसका इफ्तिताह किया, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म। उसकी सूरत में यूं लग रहा है, बल्कि ये कंफर्म हो चुका है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ आबी जंग का बाजाबता नकारा बजा दिया है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान की तमाम शिकायत जो वो लेकर वहां वॉशिंगटन गए थे और जो शवाहिद वहां पेश किए थे सब मुस्तरद कर दिए हैं। नीलम जेहलम पावर प्रोजेक्ट और उससे जुड़े हुए दीगर मंसूबे हैं वो भी खतरे में पड़ चुके हुए हैं। पानी की किल्लत इस कदर ज्यादा हो चुकी है कि आम की जो इस वक्त पंजाब में और सिंध में सबसे बेहतरीन आम दुनिया में पाया जाता है और पकता है और एक्सपोर्ट होता है उसकी 40% और साथ में कपास जिसका ताल्लुक बराह रास्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री से है, तो आम की और कपास की 40% पैदावार कम होगी इस साल। टेक्सटाइल इंडस्ट्री शदीद परेशान है कि अगर कपास कम पैदा होगी तो फिर काम कैसे आगे बढ़ेगा। आज वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने भी फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर यह कहा कि पाकिस्तान में पानी का एक बड़ा मसला सर उठा चुका है। इस बार नॉर्दर्न साइड पर उन्होंने कहा कि माजी की निस्बत स्नोफॉल कम हुई है और इससे जो वाटर स्ट्रीम बनेगी उसमें काफी हद तक कमी आई है। इससे भी बड़ी तशवीश की बात यह है कि पाकिस्तान इस मामले में काफी देर कर दी है और इस डैम्स और इससे मुत्तसिल जो मजीद नए डैम हैं उनकी वजह से आने वाले दिनों में पाकिस्तान शदीद परेशानी का शिकार हो सकता है। दिसंबर 2016 में आपको याद होगा कि आलमी सालसी अदालत ने भारत को किशन गंगा डैम पर मजीद काम करने से आरजी तौर पर रोक दिया था और सालसी अदालत का वक्त दो मरतबा नीलम जेहलम मंसूबे, वादिय नीलम और किशन गंगा मंसूबे का दौरा कर चुके थे। पाकिस्तान ने चनाब पर 850 मेगावाट के रिटल, 1000 मेगावाट के पकदल, 120 मेगावाट के मेयार और 48 मेगावाट के लोअर कोलनाई बिजली घरों की तामीरात पर एतराज़ उठाए थे। ये जो भारत में बनने और इसी स्ट्रीम के ऊपर बनने पाकिस्तानी जो मौकफ है वो के मुताबिक किशन गंगा की जो तामीर है उसके नतीजे में दरिया नीलम में पानी का बहाव बुरी तरह मुतासिर होगा और ये वही दरिया नीलम है जिस पर वाके 669 मेगावाट का बिजली पैदा करने वाला पाकिस्तानी मंसूबा नीलम जेहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और उसकी बिजली की पैदावार कहीं ज्यादा कम हो जाएगी। यूं कहिए कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आबी जंग का बाकायदा नकारा बजा दिया है और पाकिस्तानी वफ जो वॉशिंगटन गया था उसके सारे तहफ़ुज़ात जो वहां पेश किए गए और आलमी बैंक के सामने और जो शवाहिद वहां पेश किए गए आलमी बैंक की के सामने वो सब रद्द कर दिए गए। आने वाला जो वक्त है वो इंतहाई बड़े मुजमरात लाकर सामने आने वाला है और इसके बारे में न्यूज प्लस कई बार बड़े प्रोग्राम्स करके इस आने वाले हालात के मुताबिक बता चुका था कि ये हो सकता है, ये होगा और ये इसके ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है, लेकिन हुकूमत सोई रही और अब जबकि किशन गंगा डैम का इफ्तिताह हुआ तब ये वफ्द अश्तर असाब साहब और दीगर का वफ्द वॉशिंगटन गया बात करने के लिए और वो भी तमाम शवाहिद और वो जो तमाम तहफुजात ले गए रिजेक्ट हो गए। जरा बात करते हैं मुस्तकबिल में होने वाले असरात। सीनियर वाटर एक्सपर्ट माहिर आबी और तवानाई अमूर अरशद अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है। अरशद बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। किशन गंगा डैम बनने की वजह से आलमी बैंक के पाकिस्तान को दिए गए जवाब की वजह से सर पाकिस्तान को किन किन आबी मसाइल का सामना करना होगा मुस्तकबिल में? पहली तो बात यह कि जो डैम है 2006 में बनना शुरू हुआ था और 2010 में पाकिस्तान इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन ने किया था, 2013 में इंटरिम डिसीजन आया था ठीक है और 2013 में इसका फाइनल डिसीजन ठीक है। मीनिंग बाय कि पाकिस्तान जितने भी जो केस चांसेस थे जितने भी जो एवेन्यूज थे वहाँ पर ये केस हार चुका हुआ है, ये एक हकीकत है। अब हारा कैसे है उसकी वजह एक फैसला डिसीजन का अगर आप फाइनल नोट पढ़ेंगे तो उसके पेज 34 के ऊपर एक बात बड़े क्लियर थी कि पाकिस्तान का जो डाटा नंबर वन कि नीलम वैली यानी जो किशन गंगा रिवर जो पाकिस्तान में एंटर होता है उसे नीलम रिवर कहते हैं सही, इसका क्या इस्तेमाल है वहाँ पे बताइए। तो पाकिस्तान ने एक एग्रीकल्चर डाटा देना था, वो डाटा हम नहीं दे सकते नंबर वन। इसके बाद मालूम था कि इसका बताएं और क्या फिशरीज है कोई चीज़ है। आप यकीन करें कि बड़ा क्लियरली एक लिखा हुआ डिसीजन में कि जो पाकिस्तान ने जो जितना भी डाटा या रिपोर्ट दिए जो हमारे जो डेलीगेशन है वो उनको सेटिस्फाइड नहीं कर सका। बल्कि सो फॉर सो मैं आपके प्रोग्राम में एक बात बता दूँ कि हमने जो वाटर का वाटर फ्लो का जो डाटा दिया है वो ज़्यादा दिया है जब
यानी वो दरिया एंटर होता पाकिस्तान में, तो इसको इंडियंस ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने करेक्ट किया कि देखें आप पता नहीं कैसे मेजर करते हैं ये सिचुएशन, ये इतना फ्लो तकरीबन 14 से 16 क्यूबिक्स जो है वो सर्दियों में पानी इसमें एंटर होता है। ठीक है, अब इसका असर क्या है? इसका असर तो देखिए जी, आपके पास एक पापड़ स्लाइड्स 4-5 दिन पहले एक सर्कुलेट की थी कि 33% से लेके 40% तक जो नीलम पार प्रोजेक्ट है इसकी जनरेशन भी होगा, यानी मीनिंग बाय कि हमने वहाँ पे 969 मेगावाट का पावर प्लांट लगाया हुआ है लेकिन जनरेशन कम होगी क्योंकि फ्लो कम होगा, डाइवर्ट हो गया होगा। इसके अलावा जितने जो नीलम वैली में जो डैम थे, बस तौपट से आगे किरण पे डुडयाल के ऊपर और नुसरी से कुछ पहले, ये हमारे तकरीबन 400-500 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट्स के लोग हैं। लेकिन एक बात एक और भी है, वो ये है कि नीलम वैली में ये जो फ्लो कब होगा ये कई मकामात के ऊपर LOC जिसे कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, ये लाइन ऑफ कंट्रोल एक किस्म की थी, ये पानी जो है वो फ्लो जो कब होगा, पाकिस्तान इंडिया के दरमियान वल्नरेबिलिटी कितनी होगी, क्या इंडियन आर्मी क्या रिएक्शन करती है, ये एक डिफेंस स्ट्रेटेजिकली इसके एक और इंप्लिकेशन है very जो मेरे ख्याल में शायद यहाँ पे इसका इदराक अभी नहीं किया गया। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये है कि आज मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि नेशनल असम्बली में प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जी पानी की जो पाकिस्तान में कमी है वो 60% स्नोफॉल कम हुई है वाटरशेड में, हमारे वाटरशेड में जो कि ज़्यादातर इंडियन हेल्ड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख है। देखिए ये इतनी बड़ी ऐसे ही गलत बयानी है जैसे हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में दी है। हकीकत ये है कि चनाब की जुमैन ट्रिब्यूटरी है, यानी जुमैन रिवर है तभी वो LOC से थोड़ा सा बक्की मार्ट से थोड़ा सा ऊपर जाके मिलता है, कम अज़ कम 20 से 25 बैराज मुकम्मल हो चुके हुए और 20 आगे मुकम्मल हो रहे हैं। उसका डाटा पूरे पाकिस्तान में किसी को पता ही नहीं है, शेयर नहीं किया गया। अलबत्ता ये कि चनाब रिवर में गुज़िश्ता 4-5 माह से जो फ्लो है वो 40 से 50 बल्कि 60% कम है, ये बात एक विजिबिलिटी है। और यही फ्लो जो है नीचे डाउन स्ट्रीम सिंध तक नहीं जा रहा, जिससे हमारे दोनों सूबों के दरमियान जो कन्फेडरेशन लेवल तक आ गई है। जिनका आपने जिक्र किया है वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी कोई मुतासिर होंगे? मतलब ये जो नीलम वैली में जितने हमारे पावर प्रोजेक्ट से वो तो ऑलमोस्ट सारे किल हो गए, जैसे किल हो गया था केल के ऊपर है, एक तौबर से 4 किलोमीटर नीचे था, एक कैरन के मकाम पे है और एक डुडयाल पे तो 220 मेगावाट था। ये तो किलो गए, खत्म हो गए। ओह माय गॉड। दूसरी बात, ओह माय गॉड, ये तो इवन डिसीजन में लिखा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में कि हाँ जो कि पाकिस्तान ने मुकदमा देर से दर्ज किया, नीलम जेलम देर से शुरू किया, पहले किशनगंगा शुरू हुआ, तो इसलिए इसमें 33% यानी 33% से लेके 40% तक इनर्जी कम जनरेट होगी। मैं हाइड्रोपार्क के मतलब बेसिक सी बात बता दूँ कि किसी भी जगह जब पानी से बिजली पैदा करते हैं तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एक उसकी हाइट और एक उसका फ्लो। तो जब फ्लो ही कम हो, अब आप तो फिर उसमें क्या करेंगे आप? शेयर करूँ कि सर्दियों में तो नीलम रिवर में जो फ्लो होता है वो आप कह सकते हैं 4 से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 12 क्यूबिक्स होता है। ठीक है, उसके बाद ग्रेजुअली बढ़ता है आस्ता आस्ता, जैसे सीजन बढ़ता है, गर्मी आती जैसे आता है, स्नो बेल्ट होती है, वो जाता है 140 तक। पहले 58 क्यूबिक्स इंडिया लेगा, डाइवर्ट होगा, किशनगंगा पावर प्लांट चलेगा और बाईपास करते हुए दुमेल में हमें वापस मिल जाएगा। लेकिन नीलम जेलम के जो हमें नुकसान है, मैं ये आपको कुछ पावर प्लांट स्लाइड्स भी भेजता हूँ जिसके ऊपर इंटरनेशनल फोरम भी वो एग्रीड है कि हाँ पाकिस्तान को सालाना तकरीबन 2 बिलियन रुपीज का लॉस होगा उस साल और 10 साल में 20 साल में 40 अरब का लॉस होगा। और ये लॉस ऐसे भी इसलिए भी ज़्यादा दुखता है हमें कि नीलम जेलम जिस कास्ट से बनाया वो तकरीबन $5.5 बिलियन। और मतलब तो आपके मैं प्रोग्राम में बात करूँ कि किशनगंगा जहाँ बना है उसकी टैरन बड़ी मुश्किल थी, जाहिर अपस्ट्रीम था, वो 330 मेगावाट बना है 800 मिलियन का।
मतलब ये कि आप कह सकते हैं कि $3.5 मिलियन का एक मेगावाट, जबकि पाकिस्तान नीचे बना है, हमने रिकॉर्ड कायम किया पूरी दुनिया में कि इससे महंगा पावर प्रोजेक्ट दुनिया में हाइड्रो पावर जो है वो नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। इसलिए उसका टैरिफ भी 20-22 से ऊपर ही होगा। और पाकिस्तान ने और हमने खतरनाक मामला है, खतरनाक मामला। अर्शद भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की किल्लत है, जबरदस्त आपने डेटा दिया है, मामला दिए, और हमारे अरबाब इख्तियार यकीनन सुन रहे होंगे। ये है जनाब हालात हमारे, और ये हैं हमारे इस मसाइल की जड़ें, जिसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। मुतअद्दिद हम प्रोग्राम्स कर चुके हैं, खंगाल चुके हैं कि किशू को, एक एक मामले को, पूरा पूरा प्रोग्राम हम इस बारे में कर चुके हैं, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुआ। ये कि जब किशन गंगा डैम का इफ्तिताह हो गया, तब जाके एक वफ्द गया और वहाँ जाके बात करके आया, इसके अलावा और कुछ ना कर सका। ये हालात हैं, और आने वाले दिनों में और आने वाले वक्तों में पानी की शदीद किल्लत पाकिस्तान को होगी। आबी जंग का नकारा बच चुका।